नमस्कार का पड़िया सर, नमस्कार। अरे नमस्कार 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 पांडे जी, आइए आइए आइए। कैसे हैं आप? सब ठीक है ना? सब ठीक, आप अपना ही बताइए। नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार। हाँ नमस्कार नमस्कार। मैंने थैबी को कितनी बार बोला है कि अपने पिताजी को बुलाओ कभी पीटीएम में। बहुत गर्मी है मास्टर साहब। पेटीएम ये क्या चीज़ है? पीटीएम में जानते हैं, पेरेंट्स टीचर मीटिंग। अच्छा पेरेंट्स टीचर मीटिंग, मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। क्या समझ रहे थे? पहलेंगे तुम्हें। अरे कैसी कैसी बात करते हैं पांडे जी, बच्चा है देखिए। अच्छा ये सब हटाइए, ये बताइए इतना ही जरूरी था तो बुलाए क्यों नहीं? बोल बोल के मैं परेशान हो गया पांडे जी आपके बेटे से। कभी बोलता है कि पापा का सर फट गया, कभी कुत्ता काट लिया, कभी गाड़ी चोरी हो गई, कभी गांड फट गई। पापा एक बार आपका स्कूटी का टायर नहीं फट गया था? मतलब ऐसे ऐसे बहाने देता, बताइए ये सब हटाइए। मुझे शिकायत करनी है आपकी, बेटे की शिकायत करनी है आपसे, इसीलिए बुलाया मैंने आपको। अच्छा क्या बताऊं पांडे जी, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ आपके लड़के से। हद कर दी है इसने, क्लास में सीटी बजाता है, गाली देता है। यहाँ तक मैं बता रहा हूँ कि एक लड़की को इसने डायरेक्ट बोला था तेगी। सच माना कि थोड़े बड़े बड़े मतलब देने लायक हो गए, इसका मतलब क्या डायरेक्ट बोल देंगे देखी? ये कोई बात होती है? समझाइए बेटी पांडे जी, आप समझाइए इसको। न पापा बोलती हो गई, अब नहीं करेंगे, बोल देता गलती से, अब ना। बताइए कोई लड़की से डायरेक्ट ऐसे बोलती क्या? हर चीज का प्रोसीजर होता है, एक नियम होता है, एक रास्ता होता है, उसी पे चलना होता है। अब ऐसा कैसे बोल देंगे डायरेक्ट देगी? पहले उससे बात करिए प्यार से, फिर कुछ दिन चलने दीजिए, उसके बाद थोड़ा चुम्मा चाटी होगा, उसके बाद में ये सब होता है। अब आप ही बताइए मास्टर सर, आप सही सही बताइएगा। आप शादी हुई होगी, सुहागरात आप मनाने गए होंगे, डायरेक्ट आप बोले होंगे देगी? नहीं ना, नहीं नहीं सर, मानने वाली बात नहीं। आप बताइए, आप बताइए। नहीं हम तो पहले प्रपोज किए थे, आराम से बातचीत हो रही थी, शादी शादी के बाद तो सुहागरात के दिन गए ना, तो आराम से पहले बैठ गए। हाँ थोड़ी देर बातचीत की है, थोड़ा चुमा चाटी हुआ, उसके बाद ये सब हटाइए। नहीं ठीक है आगे बताइए, आगे बताइए, छोड़ दीजिए। मुझे शिकायत करनी है आपके बेटे की, आप समझ नहीं रहे हैं। बात यहाँ पे ये, आपका बेटा बहुत ही बिगड़ गया, पूरे सेशन में ये चुपचाप बैठा रहेगा और अंजलि मैम के क्लास में खड़ा हो जाता है। क्या खड़ा हो जाता है सर? इसका सवाल। अच्छा सवाल, हाँ तो बच्चे का डाउट क्लियर करिए, इसको समझाइए। अब पूछता है कि लिंग को योनि में डालते समय कैसी फीलिंग आती है, अब बताइए, बोलता है प्रैक्टिकल करके बताइए। अब तो इसमें कौन सी गलत बात पूछ ली, बताइए उसको क्या है, समझाइए। अरे महाराज सेक्स करने की बात कर रहा है आपका लौंडा। ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? ये सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया, मेरे कान फट क्यों नहीं गए? ये मादर चोद मेरी इज्जत की माँ बहन करके रखा है। पांडे जी गाली, आप चुप रहिए, आप एकदम चुप रहिए, आज इसका मैं खून कर दूंगा। नहीं ठीक है दीजिए, कोई बात नहीं, हमको चलो। हमको नहीं पता था इसको सेक्स बोलते हैं, पापा जाने दो। अब हाथ जोड़ते हैं, आज से नहीं होगा, आज के बाद नहीं होगा, तू घर पे चला, तेरा खून हो जाएगा। सर अंजलि मैम प्रेग्नेंट है। इसकी माँ का भाग ले, मौत पकड़ साले को।